नहीं, मेरी तरफ। नहीं गज्जू, मेरी तरफ। पहले मैं ये गेंद डुबा डुबा दो की ओर फेंकूंगा। पहले गेंद डुबा डुबा चार की तरफ फेंको। नहीं नहीं गज्जू, पहले गेंद फेंको डुबा डुबा एक की तरफ, क्योंकि है वो हमारा सेनापति और है वो बहुत खास। नहीं, मैं सेनापति पर हूं नहीं मैं खास। गज्जू फेंकना तुम गेंद और डुबा डुबा चार की तरफ। हो रहा है मुझे सर तो आ रहे तुम्हें हंसी गज्जू। हेटिक नहीं खेलना मुझे तुम्हारे साथ। सब डुबा डुबाओं को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे बेटे गज्जू का इतना ख्याल रख रहे हैं। फिर तो करना चाहिए हमें भी आपका शुक्रिया अदा, क्योंकि आखिर रख रही हैं आप परी लोग की सुरक्षा का ध्यान। हाँ, पर मैं ये सब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि आप सब मेरे जिगर के टुकड़े के चेहरे पे हसीन आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं आराम से सारा ध्यान परी लोग की सुरक्षा पे लगा सकती हूँ। माँ अभी मैं खेलने जाऊं? जाओ। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। आपके बाल वेरी स्ट्रॉन्ग। यार ये बच्चे भी है ना, मैं कहाँ रख दिया? क्या हुआ महेश, क्या ढूंढ रहे हो? अरे पंचिंग मशीन ढूंढ रहा हूँ। पंचिंग मशीन नहीं मिला तो ये पेपर्स में फाइल कैसे करूंगा? अरे मेरे पास है, मैं कर देता हूँ ना। तेरे पास है पंचिंग मशीन? ले। यही हो जाएगा। हो गया है ना? महेश चला गया। पापा? हाँ बेटा? देखो ना ये ट्यूब तो सील पैक है, अब मैं इसे कैसे खोलूं? बेटा मैं अभी खोल देता हूँ, क्यों चिंता करिए तू।
लो खुल गया। थैंक यू पापा, आई लव यू। थैंक यू दादू। मेरे पीछे पीछे ही घूमने वाला है। क्या स्कूल नहीं जाना तुझे? स्कूल छूट गया और मैं फंस गया। हाँ बेटा सॉरी। पापा ये बॉटल खुल नहीं रही है और ओपनर भी नहीं मिल रहा है। मैं हूँ ना। ये गजन दांत से नहीं, दांत टूट जाएंगे बेटा। हाँ हाँ बापूजी। बापूजी सॉरी सॉरी। लो बेटा खुल गया। एक मिनट जाओ जाओ। थैंक यू पापा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। देखिए ये बिल भर दीजिएगा, ड्यू डेट दो दिन पहले ही चला गया है। चिंता मत करो मैं भर दूंगा। बापूजी आपने साइड पर रख दिया, आप भूल जाएंगे। अरे मैं नहीं भूलूंगा बेटा, मैं भर दूंगा। वही नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना। अरे वाह गजानन भाई, थैंक यू सो मच। अब कैसे भूलेंगे बापूजी, है ना। मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं बापूजी, कब से मेरे पीछे पड़ा है तू? नहीं नहीं, ये कोई तरीका है बापूजी? बुजुर्ग आदमी का ऐसे यूज करते हो तुम बापूजी? ये कोई तरीका है? गुस्सा मत कीजिए बापूजी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस चिपकू गम से छुड़ाओ तो तुम लोग मेरे बाल का इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं नहीं बापूजी, आपको डुकिम करना चाहिए। डुकिम? ये क्या होता है डुकिम? डुकिम नहीं बापूजी, मतलब दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ एक काम कर, ये चिपकू गम है ना तेरे बालों में लगा दे, फिर कर डुकिम डुकिम। नहीं नहीं बाबूजी, मैं ऐसे ठीक हूँ। ओके 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 बाबूजी, जाने दीजिए। अरे जा ही तो नहीं रहा है मेरे बालों से ये चिपकू गम। बाबूजी मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि उबलते हुए पानी में बालों को डालिए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अरे उसमें मानना जैसा क्या है, मैं क्या सब्जी हूँ जो गर्म पानी में उबालोगे? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, देखिए आपके बालों को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ। अरे हाँ। कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर नहीं करेगा दादाजी के बाल को? कंप्यूटर नहीं, मैं ठीक करूंगा बेटा। मैं कंप्यूटर में जाके देखूंगा कि एक बार चिपकू गम जहाँ चिपकता है उसे किस तरीके से निकाला जाता है, ये देख के आता हूँ, उसी तरीके से अपन निकाल लेंगे, है ना। अब भी आया। मिल गया। मिल गया उपाय, मिल गया। अरे नहीं नहीं बाबूजी, अरे वो बहुत पुराना दोस्त था जो ऑफलाइन था, ऑनलाइन मिल गया। महेश आप अपने काम पर ही ध्यान दीजिए। अरे काम पे नहीं, बालों में ध्यान दो मोटा भाई। वो तो पतले हैं, फिर आप उन्हें मोटा भाई क्यों बोल रहे हो? बेटा गुजराती मध्ये मोठ्या भावाला मोटा भाई म्हणतात। तो क्या बड़े भाई के बड़े भाई को डबल मोटा भाई कहते? मिल गया बाबूजी। मिल गया। मिल गया भाई, मिल गया तरीका, मिल गया। बाबूजी कंप्यूटर में लिखा है कि एक बार चिपकू गम कहीं पे चिपकता है उसे फिर निकाला नहीं जा सकता, उसे काटना पड़ता है, तो फिर हम अब काटेंगे। अरे मतलब बापूजी के बाल काटेंगे? नहीं मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। क्यों बापूजी? बाल काटने नहीं पड़ेंगे, गंजा करवाना पड़ेगा। मैं गंजा नहीं होऊंगा। बापूजी देखिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन महेश हमारे 10 पुश्तों में कोई गंजा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ठीक है बापूजी, देखिए हम एक काम करते हैं, आपके बालों को ना छोटा छोटा कटवा देते हैं, ये तो चलेगा ना बापूजी? छोटे छोटे मान जाइए ना बापूजी, प्लीज प्लीज दादाजी प्लीज बापूजी प्लीज दादाजी प्लीज।
ठीक है। झूला हाँ, नहीं देखा मैंने कभी इतना शानदार झूला। हाँ मैंने भी। अरे नहीं सोचा मैंने कि होगा इतना मजेदार महागजनी के साथ खेलना। वाह आ गया मजा, चलो फिर से खेलने के लिए। हाँ, चलो। महागजनी भी बच्चा बन जाती है जब गज्जू उनके साथ होता है। हाँ, महागजनी इतना प्यार जो करती है गज्जू से। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल परी बालवीर से प्यार करती है, है ना बाल परी? हाँ। हर माँ अपने बच्चे से ऐसे ही प्यार करती है। उन्हें जरा सी भी चोट लग जाए तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे गज्जू में जान जो बसती है उनकी। अच्छा है कि गज्जू भी यहाँ बहुत खुश है। गज्जू खुश रहेगा तभी तो महागजनी परिलोक में रह पाएंगी। सच में इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। मुझे ये पहना के बैठा दिया है, वो बाल काटने वाला कब आएगा? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बुलाया है टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट को, बुलाया है, अभी आता ही होगा। हाँ। ओ बाल कुमार वो नहीं बाबूजी, ये बाल कुमार। अच्छा, ओ बाल कुमार कहाँ है? ओ बाल कुमार, हेलो एवरीबॉडी, आ गया, मैं हूँ फेमस हेयर स्टाइलिस्ट ओ बाल कुमार। आइए। ओ बाल कुमार, जूते निकाल, जूते, यहाँ मंदिर है। हेलो एवरीवन, हेलो। ये आइए, मैं हूँ फेमस हेयर स्टाइलिस्ट ओ बाल कुमार। अरे भाई हेयर स्टाइल तो हो गई है, बाल काटने हैं। बाल तो काट लेगा ना तू? आप फिक्र मत कीजिए, काट लूंगा। काटो, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम बापूजी के बाल जरूर काटोगे। आपको कैसे पता? आप भविष्य देखते हैं? नहीं नहीं, वो बच्चों की बुक्स देखते हैं। शिक्षक है ना वो। अच्छा, आप बालकों के मास्टर है? मैं बालों का मास्टर हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बालक क्या बात है। यहाँ पे क्या मुशायरा चल रहा है? अरे भाई बाल काटना। ओके लड़ गया, मुड़ गया, बाल मुड़ गया। चाची मुड़ गई, लेकिन दादाजी के कीले नहीं मुड़े। मेरा मतलब बाल नहीं कटे। बाल तो नहीं कटे लेकिन इस हेयर स्टाइलिस्ट की नाक जरूर कट दे। नहीं, मेरी नाक नहीं कट सकती, आज ये बाल कट के रहेंगे। नहीं चाहिए आइडिया। नहीं, आप बताइए। हाँ क्या आइडिया? मैं तो लेके आती हूँ। बापू जी, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। इसको बोल रहा हूँ, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। भगवान, ये बापूजी के बाल है या लोहे की दीवार? कट ही नहीं रहे हैं। अब कैसे कटेंगे मेरे बाल? रुकिए बाबू, रुकिए, हम इसी से पूछते हैं। ओ भाई, ओ ओ, तेरे तरकश में और कोई तीर है या खत्म?
मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है ऐसा। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं मान चुका हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं चाहिए आइडिया। बता आइडिया। अभी जाता हूँ। बापूजी कोई ना कोई आइडिया तो लेना पड़ेगा ना बापूजी। हाँ। कोई बात नहीं, वो देख तो लो क्या क्या लेके आते, देख तो लो। ये स्कूटर की आवाज कहाँ से आई? बापूजी हमारे घर में स्कूटर है नहीं तो फिर कहाँ से आवाज आ रही है? बापूजी छोटा सा यंत्र है बेटा, इतना छोटा सा है ना, मंत्र होता है यंत्र नहीं होता है। और इतने छोटे यंत्र की इतनी बड़ी आवाज? बापूजी आप आम खाइए ना, गुटलियां क्यों गिन रहे हैं? मतलब आप बाल कटवाइए ना, यंत्र क्या देख रहे हैं? काटो काटो काटो। अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। वाह तौबा तौबा, क्या खबर लेकर आए हो? आज तुमने भयंकर परी को खुश कर दिया। अच्छा तो फिर बना दीजिए मुझे अपना प्रधान। क्षमा कर दीजिए क्षमा, पर ये भयंकर। प्रधान नहीं, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी। नहीं पर तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, इस बात का कि क्या कमजोरी ढूंढ कर निकाली है तुमने, गज्जू नाम की। महागजनी की सबसे बड़ी कमजोरी। मैंने तो कहा ही था कि हूं नहीं मैं नालायक बेवकूफ कमकर आपकी तरह। माफी माफी परी भयंकर। माफ किया, आज तुम्हें सब माफ है, लेकिन उन परियों को मैं माफ नहीं करूंगी जिन्होंने महागजनी को बुलाया मुझसे बचने के लिए, और उस महागजनी को भी माफ नहीं करूंगी जिसने ना सिर्फ मेरा वार बेकार किया बल्कि मुझ पर वार भी किया। और कर दिया आपको चारों खाने चित। इसकी सजा मैं महागजनी को जरूर दूंगी, उसे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि उसकी शक्ल से खुशी गायब हो जाएगी और उसकी जगह उसकी आंखों में आंसू भर जाएंगे, उसके बेटे गज्जू के नाम के आंसू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परी भयंकर, बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा। वो महागजनी मुझसे टक्कर लेना चाहती थी, अपने आप को बहुत महाशक्तिशाली समझती है, लेकिन वो बेवकूफ भूल गई कि भयंकर चालाकी और बुराई की रानी है। रानी और अब भयंकर को महागजनी की कमजोरी के बारे में पता चल गया है, गज्जू नाम की कमजोरी, और अब बनेगा गज्जू मेरा हथियार महागजनी के खिलाफ, और मजबूर कर देगा महागजनी को परीलोक को तबाह करने के लिए, उसी परीलोक को जिसकी सुरक्षा करने के लिए उन परियों ने उसे वहां बुलाया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।